सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद दिल्ली में सेलफोन कंपनियां धड़ल्ले से कर रही हैं डीजल जेनसेट का इस्तेमाल। गो न्यूज की खास रिपोर्ट। अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर अक्षरधाम हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने का दावा किया। इससे पहले मास्टरमाइंड को एनकाउंटर में मारने का दावा कर चुके थे पुलिस। जयशाह के बाद अब एनएसए अजीत डोभाल के बेटे पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। ट्वीट कर कहा, अजीत शौर्य गाथा। कांगड़ा रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा इसे जड़ से साफ करने की जरूरत। बिहार के बेगूसराय जिले में सिमरिया में गंगा घाट पर स्नान के दौरान भगदड़ में 3 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया। इंडिया गेट पर गरीबों के लिए बनी 918 किलो खिचड़ी में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया। खुले बर्तन में बन रही खिचड़ी के पास जूते पहने घूमते रहे वीवीआईपी। चेन्नई में भारी बारिश का कहर जारी, बारिश से अब तक 12 लोगों की मौत। स्कूल कॉलेज बंद। लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने सऊदी अरब पहुंचकर अपना इस्तीफा भेजा, अपनी हत्या की आशंका जताई। गुरु नानक देव के 549वें प्रकाश पर्व पर रोशनी में नहा उठे गुरुद्वारे, मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारों में भारी भीड़ उमड़ी।